गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मेरा नाम रौनक है, मैं राजस्थान से आया हूँ, बाड़मेर जिले से। डीएनए में हम 6 लोग हैं। बाड़मेर? चार। बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है। हाँ हाँ। डीएनए में 6 लोग हैं, 4 लोग अभी आए हैं, 2 माता जी और पिताजी घर पे है। आंखें बंद करें और जय अर्जुन प्रहार 5 बार बोले, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बंदन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय जय कर। अब चल फिर के देखिए, चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए, एकदम अच्छे हैं, कोई भी कष्ट ना शारीरिक ना मानसिक, कुछ भी शेष नहीं, चेक कर लीजिए, उठे बैठे हैं, चेक करें सब, एकदम बच्चों जैसे सब हो गए, घुटने उठने सब फर्स्ट नहीं हो गए। गुरु जी कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछिए। गुरु जी मैं जैन हूँ, तो जैन मुनि जो है जिन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है गुरु जी, वो पिछले 2-3 सालों से आपसे जुड़े हुए हैं। वो खुद तो नहीं आ सकते क्योंकि उनका अलग अलग चतुर्मास होता है, क्योंकि उनका पिछली बार मुंबई था, इस बार पंजाब था, वो खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को यहाँ भेजा था, उनके परिवार के लोग आए थे। तो गुरुजी उन्होंने मतलब उनसे उन्होंने पूछा है, उनके परिवार से सब कुछ हो गया है, 2 रुद्राभिषेक भी हो गया, 1 रुद्राभिषेक बाकी रहा है अभी, तो एक ना करते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ओके गुरुजी, और आप अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना, और कोशिश रहेगी वो भी जल्द ही आपके यहाँ पे दर्शन करें, कभी जब इनका आसपास में कहीं चातुर्मास होगा तो वो यहाँ पे आपके दर्शन करेंगे। बिल्कुल। और गुरुजी एक और, हमारे जो 13 धर्म संघ है, क्या वो शुद्ध है या नहीं है? वो सब कर सकते हैं बेटा, अब आप शुद्ध हैं, मुद्दा ये है जी, जैसे पूरे पृथ्वी पे कांटे पत्थर तमाम गंदगी पड़ी है, आप एक शू पहन लेते हो, जूता पहन लेते हो चमड़े का, आप सब जगह घुमाते हैं, कोई कष्ट नहीं होता, ठीक है ना? तो वही है, अब आप प्रोटेक्टेड हैं चारों तरफ से, दरबार से जी, है ना, कवर्ड हैं, कहीं भी जा सकते हैं सुरक्षित जी, ठीक है। और कुछ और बस उसमें शामिल होकर के उनको कुछ वो नहीं करना है ऐसी चीज़ें कि आप आह्वान करें उनका। हाँ। क्योंकि वो चीज़ें हैं कि नहीं आपको पता नहीं जी, उनकी जगह कौन आगे खड़ा हो जाएगा। हाँ। आपको पता भी नहीं होगा, है ना। हाँ। तो इसलिए जो है कुछ और जैसे नमस्कार महामंत्र की माला फेर सकता हूँ क्या? हाँ, ओम भिक्षु की माला, अपना सब अपना जो पंथ का, और अपने कुल देवी देवता के मंदिर में जा सकता हूँ? उनसे बचना, कुल देवी देवता के मंदिर में नहीं जाना, उनसे बचना जी, ठीक है। और जो हमारे आचार्य है उनका समाधि स्थल है सिरियादी। हाँ। आपको देखिए मैंने क्या कहा, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मरे हुआ कोई व्यक्ति उसका कोई समाधि बना है, कोई उसका बोले तो मजार बना है, इनसे दूरी बनाइएगा। अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पे समाधि बनाई, दूरी बनाइएगा, ठीक है। आप नहीं जानते हैं कौन क्या था, किस अंदर से क्या प्रवृत्ति थी, कैसी प्रकृति थी, आप उसी तरह के फिर स्मृतियाँ आपको जकड़ेंगी, आप इन्वाइट करेंगे जी, किसी भी एनर्जी को वो आएगी, उसमें उसका दोष नहीं है जी, लेकिन उसका जो रोग और कष्ट होगा मृत्यु के समय का, वो आपको जकड़ लेगा, ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी जैन मंदिर में जा सकते हैं गुरु जी? सब बोला तो सब जगह जा सकते हैं, जैन मंदिर हो, हिंदू धर्म कोई मंदिर। अभी अभी मेरे मतलब पेट्रोल पंप है गुरु जी, लेकिन अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब सब खत्म गंदगी बेटा। और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकता हूँ? सब कर सकते जी गुरु जी, धन्यवाद। और एक और बात, टोने टोटके से बचिएगा जी, टोने टोटके नहीं, क्योंकि आपके यहाँ टोने टोटके बहुत बताते हैं। मम्मी के बीपी शुगर, ये बीपी की, थायराइड की और चक्कर की है, लेकिन टेस्टिंग में हमेशा नॉर्मल आता है। बेटा अभी मैंने बोला, हाँ, उनकी भी चिकित्सा हो गई जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, केवल संकल्प कराइएगा। बच्चों को ठंडी से, इसको पत्नी है, पत्नी और अब आप रोग उभार रहे हैं, आप इस प्रति फिर से नहीं पैदा कर रहे हैं, मैं बता मना कर रहा हूँ आपको, आप बार बार रोग उभार रहे हैं गुरु जी। नहीं नहीं, एक और अमावस्या जो है अभी, तीन अमावस्या से मेरे होगा नहीं, 6 अमावस्या मेरे को दे दो, 6 अमावस्या तक मैं आ जाऊंगा कभी भी जी गुरु जी, धन्यवाद। और पिताजी को जो ये मकर राशि चल रही है, शनि मतलब शनि की दशा चल रही है, वो शनि और मकर राशि सभी बैठे हुए हैं, चिंता मत करो, तो वो मस्त रहो, वो माला फेरते शनि की और वो कोई दिक्कत नहीं है? मैंने क्या कहा, आप कोई एनर्जी इन्वाइट करेंगे आएगी, आपकी फाड़ देगी आगे,
आप बचिए इन चीजों से। ठीक है, क्यों आह्वान कर रहे हैं? हाँ। क्यों मर रहे हैं भाई? हाँ। इन्हीं लोगों ने आपकी ऐसी तैसी की है, और खोलें क्या, बोलना शुरू करेंगे तो बहुत बोलेंगे हम। इन्हीं लोगों ने आपकी फाड़ी है, जम के डैमेज किया है, बचिए इनसे, अनवांटेड एनर्जी है ये। आप बुला रहे हैं बार बार उनको, वो उनकी मजबूरी की, आप बुलाएंगे तो आएगा, सही बात, ठीक है, फिर वो आपको फाड़ेगा, फिर आप कहोगे मर रहे हैं, आप बचिए प्लीज़। इतना क्यों चले जा रहे हैं घुसे आप? अगर आपके सब इतना शक्तिशाली होते तो आप क्यों दुर्दशा को प्राप्त होते? क्यों आपको शरण लेनी होती भोलेनाथ की और माँ की? आप उनको धन्यवाद करिए, थैंक यू, क्यों थैंकलेस हो रहे हैं? जिन्होंने आपको ठीक किया, आपके परिवार को ठीक किया, उनको थैंक यू करिए, उनसे जुड़िए, करिए। अब भी आप उनको, आपको वही चाहिए जिन्होंने आपकी फाड़ी है, फिर आप वहीं घुस रहे हैं बार 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 बार। मैं मना कर रहा हूँ आपको, एनर्जी इन्वाइट मत करिए। आप शामिल हो कहीं चले जाइए, हाँ शामिल हो गए, आ गए भाई, धन्यवाद, नमस्कार, लेकिन आप वहाँ बैठ कर घंटी लाने लगेंगे, आप एनर्जी इन्वाइट करेंगे तो वो एनर्जी आएगी, उसके जो रोग और कष्ट मरते समय रहे होंगे वो आपको पकड़ेंगे, फिर आप बीमार होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इस साइंस को समझो, ये साइंस है बेटा। आप बीमार आदमी की पूजा करोगे, संगत करोगे, बीमारी आएगी, बचिए। चलिए, प्रणाम गुरु जी, मेरे को खांसी, कफ और जुकाम। अब है? हाँ अब है, अभी तो नहीं है लेकिन फिर आ गई, फिर आप फिर खोदने लगी, फिर बीमारी अभी ख़त्म की है हमने, हटाई है, आप भी खोदने लगी। मैं अभी मना किया सबको, आधा घंटा लेक्चर दिया मैंने कि प्लीज़ मत उखाड़िएगा पुरानी आप बीमारी अपनी। आपको अगर है तो मुझसे बोलिए, नहीं है तो प्लीज़ चर्चा मत करिए। ठीक हो चुके हैं आप, फिर से नई स्मृति के बीज डाल रहे हैं, फिर रोगी बन रहे हैं आप, मत बनिए रोगी, बचिए। मेरी मम्मी को श्वास की तकलीफ है। डीएनए के बाहर की बात आपने शुरू कर दी, अब उनकी गंदगी लपेटो, वही तो कह रहे हैं, नहीं समझ में आता है। जय जय राधा रमण हरिओम, जय जय राधा।